अगर दोस्तों आपके पास जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने जो है ऑनलाइन उससे कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, बाद में दोस्तों आप उस प्रोडक्ट को जो रिटर्न कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, ऐसे में दोस्तों आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि आपका जो रिफंड है वो आपके क्रेडिट कार्ड में जो है कब आपको मिलेगा। तो अगर आपके माइंड में जो है एक कन्फ्यूजन है, अगर आप भी जानना चाहते हैं जो आपका रिफंड है वो आपके क्रेडिट कार्ड में जो है कब ऐड होगा, तब वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैसे यूट्यूब चैनल। तब दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन मेरी ओपन है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑर्डर जो है 2 नवंबर 2024 को मैंने एक ऑर्डर किया था। ये प्रोडक्ट जो है मैं ईएमआई पर ख़रीद रहा था, 6,086 रुपये का प्रोडक्ट है। बोर्ड का आपको साउंड बार दिख रहा होगा इसमें। इस प्रोडक्ट को दोस्तों मैंने जो है 2 नवंबर को जो है ख़रीदा था और लगभग 2 घंटे बाद जो है मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी मुझे जो है ओवर प्राइस लगा था। बाद में दोस्तों इसका प्राइस जो है गिरने की संभावना थी, इसलिए जो है मैंने जो 2 घंटे बाद इसको जो है कैंसिल कर दिया। इसका पेमेंट दोस्तों आप दे सकते हैं, मैंने ऊपर दे सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जो क्रेडिट कार्ड है उसके द्वारा किया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो प्रोडक्ट को जो कैंसिल करते हैं या दोस्तों आपके पास रिसीव हो जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद आपको कोई चीज़ उसमें पसंद नहीं आती और आप जो प्रोडक्ट को जो रिटर्न करते हैं, दोनों में दोस्तों जो है जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसमें जो रिफंड प्रोसेस है वो सेम है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैंने जो प्रोडक्ट जो कैंसिल किया है आपने रिटर्न किया, तो उसका जो प्रोसेस है वो अलग होगा। दोनों में जो रिफंड प्रोसेस होगा एकदम सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नवंबर को जो है मैंने कैंसिल किया है और रिफंड के लिए जो है मैंने अप्लाई किया था 2 नवंबर को। अब देखते हैं ये जो रिफंड है दोस्तों जो है मेरे क्रेडिट कार्ड में जो है कब मुझे जो है रिसीव हुआ है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा और साथ साथ आपको एक बेल का आइकन रहेगा, उसको आप प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने जो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो अभी तक नहीं बनवाया है तो वीडियो नीचे एक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस वीडियो में दोस्तों मैंने जो है एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसको कैसे आप अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताया पूरा प्रोसेस। तो अगर आप जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड को बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को जो आप जो है जरूर देखिए। तब दोस्तों देख सकते हैं 2 नवंबर का यहाँ पर आपको डेट देख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2 नवंबर को जो है 6,086 रुपये यहाँ पर जो है ऐड हुए हैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन तरफ से रिफंड मुझे, लेकिन यहाँ पर 2 नवंबर डेट दिख रहा है, लेकिन ये 2 नवंबर को जो मुझे रिसीव नहीं हुआ था। 2 नवंबर को दोस्तों जो है मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, मतलब मैंने अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैंसिल किया था, और ये जो है ये मुझे 4 नवंबर को जो है लगभग दोपहर में जो है 4 नवंबर को 3 से 4 बजे करीब जो है मुझे ये जो है रिफंड मिला था। तो यहाँ पर जो है 2 दिन बाद जो है मुझे मेरा जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसमें रिफंड मुझे रिसीव हो गया था फ्लिपकार्ट की तरफ से। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 2 दिन दोस्तों आपके जो होंगे वो वर्किंग डे होंगे, अगर बैंक का हॉलीडे वगैरह है या संडे वगैरह है वो उसमें जो है काउंट नहीं होता है। तो अगर आपने जो है किसी प्रोडक्ट को रिटर्न किया है या कैंसिल किया है तो आपको मैक्सिमम जो है 10 से 15 जो है वर्किंग डेज वेट करना है, उसके बाद भी दोस्तों आपका जो रिफंड जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड में रिसीव नहीं होता है, तब आपको जो है एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर है उसको आपको जो है कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट जो है डालना है, उसके बाद आपका जो है रिफंड आपको जो है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 2 नवंबर को जो है मैंने अप्लाई किया था और 4 नवंबर को दोस्तों जो है मुझे जो है रिफंड मेरे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आ गया है। चलिए आगे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे ही आपको रिफंड मिलता है तो आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो कम हो जाएगी, जितना आपको रिफंड मिलेगा वो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग में से जो है उतना अमाउंट घट जाएगा, और आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाएगी, जितना आपको रिफंड मिला होगा उतना जो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाएगी और टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर उतनी घट जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनबिल्ड जो ट्रांजेक्शन है वो अभी जो है मेरा उतना ही दिखा रहा है जितना पहले था, इसमें से जो है जो रिफंड मिला है वो अभी घटा नहीं है, और नीचे देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है उसमें से जो रिफंड घट गया और वो भी जो है क्रेडिट लिमिट जो है रिफंड मिलने के बाद बढ़ गई है, लेकिन जो अनबिल्ड ट्रांजेक्शन है वो उतना ही है, यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं हुआ। हो सकता है दोस्तों जो 24 से 48 घंटे बाद जो है इसमें भी चेंज हो जाए। तब दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, एक्सिस बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं फ्लिपकार्ट का तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी कभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।